हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग हो रहा है हमारा घर से स्टार्ट। तो मैं पिछले कल कुल्लू से घर आ गया था, क्योंकि पिछले कल मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो आज जा रहा हूँ मैं बगीचे में लगाने हैं पौधे। तो पापा और विशाल चले गए पहले, तो अब उसके बाद मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा काम था, फिर मैं सीधे बगीचे जा रहा हूँ। अब तो आगे देखो, अब आगे क्या क्या करता हूँ और गाँव में क्या। मैं जा रहा हूँ पापा और विशाल के पास। तो यार मेरे को डांट भी पड़ सकती है, मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं, तो मैं गया नहीं। विशाल ने करा है, पापा ने करा है। ये दो पौधे लगाए अभी पापा और विशाल ने, ये पलम का है और शायद ये भी पलम का है, तो आप देख लो। हम लगा रहे हैं यहाँ पर पलम का पौधा, जो कि आप देख लो। तो मैंने ना यार यहाँ पर गड्ढा कर लिया है, उसे लेके आए थे। तो यार मैं इस टाइम गाँव में आप सभी को एक बात बता देता हूँ, मैं जब भी पलम के पौधे लगाते हैं ना, इसके लिए एक या डेढ़ फुट का गड्ढा करना पड़ता है, तो उसके बाद लगता है। ऐसे नहीं लगते हैं कि जैसे थोड़ा सा खोदा और उसके बाद लगा दिया, बट नहीं, कम से कम एक फीट का गड्ढा हो गया है। तो इसमें हम इसको इस तरह लगाएंगे पलम को, और विशाल मिट्टी डालेगा। तो ये हमारा बगीचा है, जो आपको उधर ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर उधर, नीचे से लेकर, नीचे से लेकर, नीचे 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 इधर जाके ख़त्म होता है इधर। और अभी मैं आगे छोटा मोटा आपको दिखाता हूँ ना, आगे से होके जाऊँगा मैं परे वाले घर से होके, जो हमारा परे वाला घर है उधर से होके आएंगे, निकलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। जा रहे हैं यहाँ से, देखो अब मैंने लहसुन लगाया हुआ, अब मैंने यहाँ पे लगाया मैंने, तो इधर था एक, सबसे पहले था एक बड़ा पेड़ ना सेब का, वो ना खराब हो गया था, तो फिर वो काट लिया और फिर निकाल लिया। और आप देखो, और हम उस पर जब हम छोटे होते थे, मैं और विशाल ना उस पर खेला करते थे, हम उस पर झूलते थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या ही बताएं आपको। घर वाले काम करते थे और मेरा विशाल उस पर फन करते रहते थे। तो देखो हम कैसे कैसे रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो विशाल देखो कहाँ से आ रहा है, इस वाले घर पे हो रहे काम हमारे, सो आप देख सकते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आया, तो आप देख लो अंदर फुल टू काम चला हुआ है। तो यहाँ से ना पहले ऊपर जाने के लिए पौड़ी थी, अब वो नहीं रही, तो पता नहीं ऊपर चलता है। तो यार इधर ना रेनोवेशन का काम चला है इस घर पे, क्या डोर बन रहा है यहाँ से, अच्छा डोर बना दिया है यहाँ से। हाँ भाई, इधर से पहले पौड़ियाँ हुआ करती थी ऊपर के लिए, यार ये ना काफ़ी टाइम पहले घर बनाया था, तो इधर रेनोवेशन का काम चला हुआ है। ऊपर देखो छत पे हो रही है ना अभी काम चला हुआ है, तो चलो। तो ये व्यू है हमारे गांव से, ठीक है। और मैं और विशाल जा रहे हैं घर, और देखो अब हम फ्रेश होते हैं हम दोनों, फिर आपको आगे बताते हैं हम क्या क्या करेंगे। और जो आप इस टाइम वेदर देख रहे हैं ना उधर का, ये है शिकारी माता का, ये शिकारी माता वाले पहाड़ हैं। तो अब मेरे घर से इस तरह का व्यू आता है, तो आप चेक कर लो, शायद एक दो दिन में स्नोफॉल हो सकता है। स्नोफॉल हुए तो मैं आपको ज़रूर व्लॉग लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस बार हम साइकिल में स्नो राइड भी करेंगे, आपको दिखाएंगे, बट इसमें हवा ही नहीं है यार, हवा भरनी पड़ेगी। कब भरी थी तुमने? पूरी तो हम ऑफ रोडिंग भी करेंगे। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपको नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे। बट ना इसमें ना मेरा स्कूल का बैग है यार, सो इस बैग को लेके ना यार मैं स्कूल का बैग देख के ना, वाह क्या दिन थे वो, देखो अपने कलाकारी हम बैग में कर। सो ये जो है ना लड़का, ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा शरारती लड़का है, जो कि हमारा वेट कर रहा था। ये नहा के आ गया, तो फ्रेश हो गया, कपड़े मैंने वही पहने हैं, कपड़े मेरे ठीक थे, मैले नहीं हुए हैं। और अब चलते हैं लंच करने, तो आपको बताते हैं आगे। लंच में आज मैगी बनाई है सर, ठीक है। मेरा मन मैगी खाने का करा, तो मैंने मम्मा को बोला था कि मैगी। तो मैंने यार खेत से आके बाद लंच वंच करने के बाद सो गया था, अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो बात ऐसी है कि मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि बर्फ़ गिर सकती है, तो शिकारी माता वाली एरिया में ना बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पर गिर रही है अभी भी, तो थोड़ी देर पहले नहीं थी, अब वहाँ पर बर्फ़ गिर चुकी है। तो मैं आपको भी बताता हूँ, चेक करवाता हूँ।
तो चेक करो व्यू, स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे अभी। ये देख लो इधर तक स्नोफॉल आ रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर इसी तरह डाउन हो गया तो समझो कल के लिए इधर भी बर्फ आ जाएगी, तो फिर हम बर्फ में ब्लॉग बनाएंगे। सो यार इस ठंड में ना चाय पीने का कुछ और ही मज़ा है, तो मैं और विशाल पी रहे हैं बाहर वेदर के साथ, वेदर का नज़ारा लेते हैं। विशाल तो यार मैं जहाँ तक घर के लिए थोड़ा सामान लेने, घर से थोड़ा सा दूर आगे दुकान है गाँव में, तो हमने घर के लिए सामान ले लिया है। तो विशाल बाइक चला रहे हैं, तो यार ये सीट के लिए थी तो घर के कपड़ा रखा हुआ था, तो घर बाइक स्टार्ट कर। तो व्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया है, तो शाम के बज गए हैं 6, तो मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर अनदर अपडेट। मिलते हैं अगले एक अच्छे से व्लॉग के साथ।